अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा सोचा, मैंने डेकोरेट कर लिया जाए आज हमारी एनिवर्सरी को, मतलब निकाह को। निकाह को 7 साल हो जाएंगे और इसी साल क्या कहते हैं हमारी शादी को भी 5 साल हो चुके हैं 5 साल जुलाई में। तो हमने कोई सेलिब्रेशन जुलाई में किया ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली, हम बिज़ी थे, पता नहीं कहाँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा, पर हमने 5 साल सेलिब्रेट नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि हम अपनी शादी की एनिवर्सरी और निकाह की एनिवर्सरी दोनों साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा डेकोरेशन कर लें। तो उसके लिए डेकोरेशन के लिए गुब्बारे तो बनते हैं, तो मैं गुब्बारे फुला रही थी। तो आ जाएँ आप लोग मेरे साथ, देखें इतना कुछ फैंसी नहीं करूँगी, हल्का फुल्का जितना भी होगा उतना कर लेंगे। तो जी हमारी हेल्प करने के लिए हमारी असिस्टेंट आ गई हैं सोहा। ये हमें असिस्ट करेंगी, है ना सोहा, हेलो करो सबको। किसी भी दे दो सबको। अल्ले तो जी मैं जल्दी जल्दी डेकोरेशन करने लगी थी और सोहा मुझे तंग कर रही थी, मैं सोहा को रोक रही थी, पर सोहा कहाँ बाज आने वाली थी, इधर घुस उधर घुस। और फिर मैंने एक लगाया घुमा के चमाट और मैंने बोला उधर जाके बैठो। बॉटल मैंने फुला के लगा दी है और ये स्टार भी लगाया है। आपको वो हैप्पी बर्थडे का याद होगा जो समीर ने लगाया था, तो मैंने हैप्पी ही यूज़ कर लिया। तो मैंने कहा अब क्या बाहर से कुछ लेकर आना, ये सब घर में ही पड़ा हुआ था, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लेकर आई हूँ, बस उसको यूटिलाइज़ करूँ किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि बॉटल में ब्लू है तो ब्लू बलून्स पड़े हुए थे वो लगा रही हूँ, वाइट भी हैं अपने पास, सिल्वर भी है और ग्रे भी है, तो जो जो लग सकता है वो लगाती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो जी मैंने बस इतना सजाया, मेरे हिसाब से इतना बहुत है, मोर देन इनफ इनफैक्ट। तो अब आप लोग को मैं बताती हूँ कि मैंने क्या सोच के लगाया है। ये देखिए जो एच है ना, इस एच में से निकल रहा है ये स्टार, ठीक है, और इस स्टार में आप लोग को दिख रही होंगी मैं, और उसके इर्द गिर्द है ये छोटा सा फूल जिसकी मैंने बीच की वो भी बनाई है जो कली होती है छोटू सी। तो बस ये है डेकोरेशन। अब समीर आएगा तो आई विल विश हिम, बाकी आप लोग देखते रहिएगा आगे क्या होता है। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ और समीर आ चुका है। तो अब हम लोग केक काटने लगे थे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा केक है, क्या लेकर आया समीर और आगे क्या होगा। तो साथ बने रहें और देखते रहें। लो मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, तुम बुके लेके खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। ओ पीछे से वो हो गया, फाउल हो गया, चलो दोबारा से चिपका देते हैं। ऐसे नहीं मैं चिपकाती हूँ, रुको। कहाँ पहना हुआ कपड़े दिखाओ अपने, यू लाइक इट, पजल नीचे गिर गया आपका, केक काटे सोहा, केक काटे, बैठो ऊपर, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, चलो केक काटेंगे। हमारा छोटा सा सेटअप, हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन, बस आप लोग बहुत सारी ढेर सारी हमें दुआएं दीजिएगा। हैप्पी एनिवर्सरी। कौन सा केक है? कॉफी, तुमने बोला था ना लास्ट टाइम कॉफी, कॉफी केक। ओ मुझे तो बहुत पसंद है कॉफी केक। सब पकड़िए ऐसे, क्या बोलेंगे? हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। लाओ मैं पहले खिलाऊं तुम्हें, कैसा लगेगा पता नहीं। ये लग नहीं रहा कॉफी केक, नीचे से नॉर्मल केक है, ड्राई केक है ना ये। मैं ड्राई केक नहीं ले रहा हूं, ये अलग टाइप का होता है। वाह, मैं हर तो खुद ही खा रहा हूं, मुझे खिलाने नहीं दे रहे। सोहा कहां आई हो आप? डिनर करने आए हम लोग। क्या करने आए? डिनर। क्या ऑर्डर करेगी मेरी बेटी? तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे पूरी एक कतार देख रहे होंगे लोगों की जो बैठे हुए हैं। हम लोग आए हुए हैं फूड स्ट्रीट पर। वैसे तो सभी ने मुझे बोला था कि मैकडॉनल्ड्स खाने चलते हैं, पर मैंने कहा नहीं, मौसम हो रहा है ठंडा तो हम
रोड साइड एक्सप्लोर करेंगे और रोड के साइड पे बैठ के खाएंगे। तो हम लोग आए हुए हैं हॉट एंड रोल। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहते हैं, यहाँ पे बारबेक्यू भी होता है, यहाँ पे फास्ट फूड भी होता है, तो हम लोगों ने कहा यहीं बैठ जाते हैं, यहीं खाते हैं। पीछे लोगों की लाइन लगी हुई है, हमारे पीछे बस दो बेंचेस खाली हैं। तो अभी हम लोग ने जो ऑर्डर किया है वो आ जाता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है। मौसम बहुत मज़े का हो रहा है, भीनी भीनी ठंड है और अब ऐसी ठंड में खाना बैठ के खाएंगे। हमारे घर के पास ही है ये मस्कन वाली रोड पर, सॉरी डिस्को बेकरी वाली रोड पर ना, पुल से पहले। तो यहाँ पे लाइन से फूड स्ट्रीट है ना पूरी, तो हम यहीं बैठ गए, हमने कहा हम यहीं खा ले सकते। तो मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ, बने रहे। मैंने सोहा के लिए वेजिटेबल चाउमीन, अपने लिए बीफ बर्गर ऑर्डर किया था और समीर ने चिकन पराठा ऑर्डर किया था। तो ये हम लोगों ने 1 डिग्री से मंगवाया था। ये है समीर का बेरीज का मॉकटेल और मेरा डबल अप बबल अप। तो जी दोस्तों, हम लोगों ने खाना खा लिया है। खाना मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो पैसों के हिसाब से बहुत, मतलब अगर देखा जाए तो क्वांटिटी बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी मतलब ऑलमोस्ट सही था, इतना बुरा नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि आप खा सकते हैं, मतलब कुछ जगहों पे बहुत गंदा ही टेस्ट होता है ना, तो आपसे खाया नहीं जाता। सोहा तंग कर रही है। अरे ना सोहा, का कर लियो आप, गाड़ी चलाओगी? ओके हाँ, तो एनीवेज, हाँ तो क्वांटिटी बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी ऑलमोस्ट सही था। तो मेरी तरफ से आप लोग जाएं ट्राई करें अगर जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इंसान महंगी महंगी ही आउटिंग करे। इस वजह से मैंने समीर को बोला कि नहीं, कोई मैकडोनल्ड्स जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब और समीर ने KFC भी बोला था, मैंने कहा अभी तो कुछ दिनों पहले KFC खाया था। तो मैंने कहा कभी कभी ऐसे रोड साइड बैठ के खाने में भी ना अपना ही एक मज़ा होता है, उसका एक अलग ही चार्म है। तो खैर हम लोग खाना वाना खा के आ गए हैं। अब मैंने समीर से मंगाया है पान। समीर पान लेके आ गए, पान पान दो ना। तो जी मैं खाऊंगी पान। बहुत टाइम हो गया मैंने पान नहीं खाया, बहुत टाइम हो, मेरा बहुत दिल हो रहा था पान खाने का, तो अब मैं पान खाऊंगी। पान खाए सोहा? खाओगी पान? आपको सौंफ दे देते हैं उसके अंदर की ना। नारियल खा लो, नारियल ले लो, नारियल। तो दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं, अब बस सोहा के सोने का टाइम हो रहा है क्योंकि बज रहे हैं 11। तो मैं बस इसको चेंज कराऊंगी और फिर हम सोएंगे। और सोने से पहले और जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, कि जो आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बड़ी बड़ी चीज़ से या कुछ बड़ा बड़ा करने से आप इन्जॉय कर सको। आप छोटा छोटा करके ना, कम पैसों में, मतलब ये उन लोगों के लिए कि ज़्यादातर व्लॉगर्स जो भी होते हैं वो बहुत हाई फाई एकदम टिप टॉप वाली चीज़ें दिखाते हैं, और फिर बेचारे जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनको लगता है बस यही एक लाइफस्टाइल है, इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा कोई लाइफस्टाइल नहीं है और इसके अलावा कोई खुशी नहीं है। जी हाँ जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ बड़ा बड़ा करने से, सब कुछ लैविश करने से, पैसे उड़ाने से ही आपको खुशियाँ मिलती हैं। आप छोटा 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 भी कुछ करोगे ना तो उससे भी आपको खुशी मिलती है। मैटर क्या करता है आप किसके साथ हो, कौन है आपकी ज़िंदगी में और आप कितना खुश हो। आप छोटी छोटी चीज़ों में अगर खुशियाँ ढूँढोगे तो आप यकीन जानो आप लोग खुश रहोगे। और हर, मतलब जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी लाइफ जो आपको पर्दे पे दिखती है, ज़रूरी नहीं है कि वही उनकी लाइफ हो एग्जैक्टली। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर आजकल के दौर में ये सब चीज़ें शोशा इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि लोग रियलिटी से कोसों दूर जा चुके हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना है उतना, उतने में ही रह, खुश रहने की कोशिश करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला आप लोग को भी वो सब दे जो दूसरों के पास है। पर कभी भी हिरस और जेलेसी और ये सब मत करो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, ना आपको ना उनको कुछ हासिल होगा। तो जस्ट बी हैप्पी, जो भी है उसी में खुश रहना सीखो, इन्जॉय करो। इसी के साथ मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। आप सभी को अल्लाह हाफिज़।